दो तीन दिन से सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो हिकमत का जो चैनल है वो भी बनाऊँ अलग से, अगर आप दोस्तों का साथ हुआ। अभी तो सोच रहे हैं और सब कुछ देखना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो अभी देखने में टाइम, क्यों टाइम बहुत कम मिलता है जिसकी वजह से, और टाइम कम मिलने की वजह से इसमें भी कम टाइम दे रहा हूँ, तो इस वजह से कुछ सोच समझ के कदम उठाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने भी ज़मान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। जुमे का दिन है, मुबारक दिन है, और सब बहन भाइयों को जो देखने वाले हैं मेरी तरफ से जुमे का दिन मुबारक हो। तो अभी उठा था, तकरीबन 8 बजे हुए हैं, सुबह नमाज के वक़्त उठा था, उसके बाद दोबारा सो चुका था, तो अभी फिर उठा हूँ। अभी नाश्ते का टाइम भी है, तो इस वजह से सबसे पहले तो मैं ऊपर आया था, ये अपना मोबाइल वगैरह चार्जिंग पे लगाने थे, क्यों पूरा दिन निकालना होता है और शुरू में ही इसको चार्जिंग सुबह से कर लें तो पूरा दिन सुकून से गुजरता है। तो अभी नाश्ते में भी देखते हैं क्या बना है, क्यों अभी मैंने देखा भी नहीं था, वैसे ही ऊपर आ गया था। नाश्ता करने के बाद बाज़ार का वो दुकान पे एक चक्कर लगाया था, कुछ बैलेंस वगैरह करवाना था तो उसकी ज़रूरत भी थी, तो अभी वापस आए हैं। तकरीबन 11 बजने वाले हैं, तो मैं कपड़े लेके आया था, अभी ऊपर से इनको प्रेस करेंगे अभी। हमारे प्रेस हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 5 से 8 मिनट तक टाइम ही लगता है, जो कार्टन के होते हैं उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो बस अभी जल्दी से तैयारी करते हैं जुम्मे की। Thank you.
तैयारी देख रहे हैं, कर ली है। क्यों कपड़े मैंने प्रेस किए ना तो उसके बाद थोड़ी सी देर लेटा था, वैसे ही लेटा था मैं तो आंख लग गई अचानक से, तो ये शुक्र है टाइम पे खुल गई है। तो जल्दी जल्दी से मैंने फिर तैयारी की है, तो अब बस जाने का मूड है, तो अभी निकलते हैं जुमे के लिए। जुमे के बाद कुछ खाना खाया, चावल वगैरह और कॉफ़ी पी थी। पहले मैंने एक दो बार घर में पी थी तो मुझे वो कुछ कड़वी सी लगी, लेकिन आज मामू ने बना के दी है इधर, तो बहुत मज़े की थी, मज़ा आया पी के। तो अब कुछ ऊपर आया हूँ धूप में बैठने के लिए थोड़ी सी देर, क्यों कुछ मौसम ठंडा सा है ना तो धूप में भी बैठ के मज़ा आता है, तो इधर थोड़ी सी देर जब तक धूप है फिर बैठेंगे फिर चलेंगे नीचे। कल से वीडियो शुरू की हुई है लेकिन मैं उसको ख़त्म नहीं कर पाया, क्यों मुझे रात भी टाइम नहीं मिला। रात भी मैं जैसे आया हूँ तो घर से कॉल आई है, उसके बाद नींद भी काफ़ी आ रही थी तो सो चुका था, तो तकरीबन 11 बजे मुझे याद आया था, आँख खुली तो याद आया था कि मेरा कुछ रहता है। तो आज भी सुबह से क्लिनिक पे था, अभी क्लिनिक से आया हूँ, काफ़ी दिनों के बाद ड्यूटी दी है क्लिनिक पे, तो कुछ तंगी भी हुई है मरीज़ों को संभालने में, क्यों 2 या 2.5 माह के बाद ही टाइम दिया मैंने क्लिनिक पे, तो दवाइयों का जो सिस्टम था वो आगे पीछे था, कुछ समझ नहीं आई मुझे, दवाइयाँ भी कुछ चेंज थी तो उसकी वजह से कुछ मुश्किल हुई है। तो दूसरी बात एक, आज तकरीबन मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो हिकमत का जो चैनल है वो भी बनाऊँ अलग से, अगर आप दोस्तों का साथ हुआ अन करीब इंशाल्लाह उस पर भी कुछ काम करेंगे, अभी तो सोच रहे हैं और सब कुछ देखना पड़ता है फिर उसके हिसाब से बनाया जाता है, तो अभी देखने में टाइम, क्यों टाइम बहुत कम मिलता है जिसकी वजह से, और टाइम कम मिलने की वजह से इसमें भी कम टाइम दे रहा हूँ, तो इस वजह से कुछ सोच समझ के कदम उठाया जाएगा जिसमें बाद में मुश्किल ना हो हमें। तो अभी भी तकरीबन दोपहर के ये 1:45 का टाइम हो रहा है, तो अभी भी क्लास का टाइम है, तो बस अभी निकलते हैं, थोड़ा सा खाना वगैरह खाएंगे नीचे से फिर निकलेंगे, क्यों क्लास में तकरीबन 2 बजे पहुंचना है, तो 15 मिनट रहते हैं, 5 से 10 मिनट सफ़र है वो तय करना होता है, और बाकी टाइम 5 मिनट खाने पे लगाएंगे। तो बस आज की वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।